1967 ये क्या हुआ? फिर तो इंडिया आजाद हो चुकी थी। हम मूल अधिकारों कितने भाग पड़ चुके हैं? देखिए फिर एक बार बता देता हूँ, और बताता हूँ, घर पे जब तक मेहनत नहीं करोगे टीचर कुछ नहीं करता। मूल अधिकारों की सबसे पहले मांग 1931 में कांग्रेस ने अपने कराची अधिवेशन में की थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और मूल अधिकारों का प्रारूप आपके जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, जो हमारा मूल संविधान था उसमें मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में मूल अधिकार कितने? 6। तो 7वां मूल अधिकार जो हमारा गायब हो गया, वो कब गायब हो गया? 44 में संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, जो किसमें था? अनुच्छेद 31 तथा 19(1)(4) या आप कह सकते हो F, ठीक है, इसमें था, इसे हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। किसमें? अनुच्छेद 300(क) में, यानी संपत्ति का अधिकार क्या है? विधिक अधिकार है। यानी अगर आप तहसील में जाके अपनी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे विधिक तरीके से, तो मतलब आपकी संपत्ति आपकी नहीं होगी या आपका अधिकार नहीं है। ये कैसे होता था? देखिए, कोई भी चीज हो आप लोगों को पता होना चाहिए विधिक अधिकार का मतलब क्या होता है। यानी अब विधि आपको शक्ति देती है, पहले कहते हैं मेरे परवावा की जमीन है, जब तक आप उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तहसील में जाके, तो आपकी वो जमीन होगी नहीं होगी ना, यही चीज होती है। ठीक है, एक चीज और होती है, अब किसमें है संपत्ति का अधिकार? 300 काम है, मतलब वर्तमान समय मूल अधिकारों को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। ठीक है, 6 भाग नहीं, ये 6 वर्ग कह सकते हो, 6 भाग कह सकते हो। ठीक है, तो कैसे इन्हें बांटते हैं कौन बताएगा? हम लोगों ने कुछ कल भाग पढ़े थे, कौन सा भाग पढ़ा था? नहीं, वर्ग वर्ग, हाँ बताइए। 10 से 18 समानता का अधिकार, कौन सा वर्ग था हमारा? समानता का अधिकार। ठीक है, कितना अनुच्छेद था? अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। हमने आपसे पहले कहा यहाँ पे 80% मेहनत करिए, आगे की मेहनत बाद में करिए। ठीक है, अनुच्छेद 14 क्या है? समानता का अधिकार। दुनिया आपको ये बताएगी कि अनुच्छेद 14 होता है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। ठीक है, यानी कि विधि के आगे सब कुछ बराबर है, चाहे वो आपका राष्ट्रपति हो, चाहे आपका प्रधानमंत्री हो, चाहे एक लेबर हो, सबको बराबर करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 क्या है? आप लोग कैसे कंफ्यूज होते हैं? अनुच्छेद 14 की बात का मतलब है कि राज्य, धर्म, जाति, नस्ल, ठीक है, जन्म स्थान तथा लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा राज्य। यह सरकार की सबसे बड़ी बात है कि राज्य इन सारी चीजों के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 क्या है? पैदा हुआ चाहे वो MP में पैदा हुआ, चाहे जम्मू कश्मीर में पैदा हुआ, चाहे आपका मणिपुर में पैदा हुआ, चाहे लद्दाख में पैदा हुआ, लद्दाख जम्मू कश्मीर में, तब भी आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, लोक नियोजन, अनुच्छेद 16 क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, ऊपर दिए गए सारे आधारों पर किसी भी सरकारी नौकरी के लिए, इन आधारों पर किसी को सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए आप नहीं रोक सकते। नियोजन मतलब होता है नियुक्ति,
लोक मान्यता पब्लिक, यानी पब्लिक सेक्टर की जितनी भी वैकेंसी होंगी, ठीक है, उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई ये होता है, कल भी मैंने आपसे बात की थी कि अगर आर्मी की जॉब है, ठीक है, आर्मी में जैसे उन्होंने कहा कि पुरुष भर्ती हो सकते हैं, महिला भर्ती हो सकती है, ट्रांसजेंडर भर्ती नहीं होंगे, ठीक है, क्यों नहीं भर्ती होंगे, इसका अलग कंडीशन है, आप जानते हो क्यों नहीं भर्ती होंगे। तो यहाँ पर अगर ट्रांसजेंडर आर्मी नहीं लेती है तो आर्मी किसी कंडीशन के बसी तो वो ट्रांसजेंडर नहीं ले रही है, ठीक है, वैसे तो आर्मी ले सकती थी, लेकिन अब पुरुष भी हो सकते हैं, महिला हो सकती है, ट्रांसजेंडर आर्मी में अपनी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो लोक नियोजन मतलब क्या था, पब्लिक सेक्टर की कोई भी जॉब हो उसमें हमारा इन आधारों पर आपको नौकरी करने के लिए रोका नहीं जाएगा, ठीक है। अभी तक ये वाली चीज नहीं होती थी कि मेल या फीमेल, अब तीसरा कॉलम बढ़ा दिया गया जिसे क्या कहते हैं ट्रांसजेंडर, पहले नहीं होता था ये, ठीक है, इसलिए यहाँ पर अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। पुराने जमाने में क्या होता था, अस्पृश्यता होती थी, आप इस जात को जरा दूर से निकलो, ठीक है, अब क्या है, अस्पृश्यता का अंत संविधान के एक भाग में कर दिया गया, अगर आप किसी छोटी जात से भी हो तो अब आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, कि आप सड़क पे नहीं चलोगे, आप ये नहीं करोगे, आप वो नहीं करोगे, यानी कि छुआछूत खत्म। पहले कैसे होती छुआछूत, आप लोग जानते हो कि हमारे प्राचीन भारत में कितनी खतरनाक छुआछूत चलती थी, ठीक है। अगला जो आपका होता है वो होता है अनुच्छेद 18, क्या है, उपाधियों का अंत। इसका मतलब क्या होता है, जैसे अब आप अपने आप में कोई उपाधि नहीं लगाओगे, क्या उपाधि लगाओगे, महाराजा तो लगा सकते हो, राजा भी लगा सकते हो, अगर पुराने हो आप ऐसी उपाधि लगाओगे कि गजे सिकंदर मेरा नाम है, ठीक है, नवाब साहू है, ये उपाधि ले सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे क्या कंडीशन है, शिक्षा तथा सेना संबंधी किसी उपाधि को छोड़कर आप किसी दूसरी उपाधि का इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है। शिक्षा जैसे आप डॉक्टर बन गए, पीएचडी की आप डॉक्टर बन गए तो आप डॉक्टर उपाधि लगा सकते हो, ठीक है, अगर इसके अलावा आप शिक्षाविद हैं, ठीक है, आप कौन है, एमफिल हैं, तो आप उपाधि लगाओगे, लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। सेना, अगर आप सेना में कोई अधिकारी या कर्मचारी हैं, आपको एक उपाधि मिली परमवीर, ठीक है, इस उपाधि को अपने नाम क्या इस उपाधि को अपने नाम क्या यूज कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, क्योंकि ये परमवीर या वीर चक्र जो भी, तो सेना और शिक्षा को छोड़कर आप दूसरी उपाधि का इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर कोई दूसरा देश आपको कोई उपाधि देता है तो उस उपाधि को ग्रहण करने के लिए आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। जैसे आपने देखा है कि कभी कभी जैसे फ्रांस की सरकार लीजेंड ऑफ ऑनर एक पुरस्कार देती है, ठीक है, लीजेंड ऑफ ऑनर पुरस्कार कभी कभी भारतीयों को भी दे देती है, कभी शाहरुख खान को दे देती है, कभी ऐश्वर्या राय को दे देती है। तो ऐश्वर्या राय शाहरुख खान केवल फिल्मी एक्टर है, उन्हें ये उपाधि अगर चाहिए तो किससे अनुमति लेंगे, हमारे माननीय राष्ट्रपति इस समय के रामनाथ कोविंद से अनुमति लेंगे, जब तक उनसे अनुमति नहीं लेंगे तो आप वो उपाधि इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, कर सकते हो, नहीं कर सकते, पहले राष्ट्रपति से आप पूछोगे तब यह इस्तेमाल करोगे। यह है आपका वर्ग एक, इसका नाम भी याद रखने का आपको, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, कल हमने इसी के ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 19, अगले वर्ग की बात करते हैं, पूरा वर्ग है ये, आप लोग पढ़ते नहीं होते, अरे नहीं, ठीक है, कौन सा होता है वर्ग, मूल अधिकारों का वर्ग 2, ठीक है, ये क्या होता है, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद कितना होता है बताइए, 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, देखिए हर चीज संविधान में वर्णित है, इसलिए बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 19 की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 के बहुत सारे भाग हैं, 19(1), 19(2), 19(3), 19(4), ठीक है, बहुत सारे भाग हैं, लेकिन यहां पर जो हम लोग पढ़ते हैं केवल एक ही भाग पढ़ते हैं, ये होता है अनुच्छेद 19(1),
ठीक है। तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 की। इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान समय में इसमें कितने प्रकार के स्वतंत्रता उल्लेख है? केवल 6 प्रकार की। वो एक कहां गई? एक स्वतंत्रता कहां गई? एक स्वतंत्रता कहां गई? 19(1)(f) या 19(1)(4) हटा दिया गया ना, तो जो पहले नहीं गई थी उसी में से। अनुच्छेद 19 इसमें कितने प्रकार के स्वतंत्रता उल्लेख था? 7 प्रकार के। लेकिन वर्तमान समय में कितनी है? 6। तो हम बात करते हैं पहले इसके बाद अनुच्छेद 19(1)(a) या 19 अगर आप का से शुरू करोगे तो वैसे आगे बढ़ोगे, ठीक है। ए से शुरू करोगे तो ABCD में आगे बढ़ोगे, आ से शुरू करोगे तो आ में आगे बढ़ोगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप किस चीज को पसंद करते हो, ठीक है। जैसे आ आ ई ई ऊ ऊ रिर और रिर, ठीक। कितना हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हो गई। अगर आप का से शुरू करो कैसे? का खा आगे गा गा और मुआ क्या होता है? मुआ होता क्या? मुझे ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अगर आप ए बी, सबसे अच्छा क्या होता है? ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ठीक। इससे ही हमेशा आपको ये सबसे ज्यादा इजी पड़ेगा। तो हम बात करते हैं 19(1)(a) की। 19(1) क्या है? वाक तथा अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक। वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन कुछ भी बोल आप कैसे बोलोगे? विधि सम्मत, यानी विधि के अधीन हो गए बोलोगे। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री यानी कोई भी जनप्रतिनिधि उसे गाली देने लगोगे, उसके ऊपर आपके ऊपर केस हो जाएगा, ठीक है। तो वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में, तो आप क्या ऑप्शन टिक करोगे? 19(1)(a), ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता। जैसे जर्नलिस्ट कई तरीके तरीके सवाल पूछते हैं, उनके इन्हें ताकत कहां मिलती है? इसी अनुच्छेद से मिलती है, ठीक है। अगले अगर हम अनुच्छेद की बात करते हैं, अगला अनुच्छेद होता है आपका 19(a), ये तो ऐसा ही रहेगा, 19(1)(b), ठीक है। अब 19(1)(b) की बात करते हैं, शांति पूर्वक एकत्र होने तथा सभा करने की स्वतंत्रता। देखिए सबसे बड़ी चीज यही होती है कि आपको लोग ये तो बता सकते हैं कि अनुच्छेद 19(1)(b) में क्या है, लेकिन इसका यूज क्या है? जो नेताओं की रैली होती है, अगर यह अनुच्छेद ना हो तो क्या नेताओं की रैली हो पाएगी? क्योंकि अगर सभा करने की स्वतंत्रता, जैसे अभी कभी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, कभी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, कभी आरएसएस, ठीक है, अपनी जो मीटिंगें करते हैं वो, उसकी ताकत कहां से मिलती है उन्हें? अनुच्छेद 19(1)(b) से। लेकिन यहां पर एक कंडीशन लगी हुई है, ये वाली, शांतिपूर्वक। आप भाला बंदूक लेके जाओगे तो आपकी इस सभा के लिए प्रशासन है वो आपको ये सभा नहीं करने देगा, 2 मिनट में आपको वो सभा भंग कर देगा, आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल देगा, ठीक है। ये होता है आपका अनुच्छेद 19(1)(b), क्या होता है? शांतिपूर्वक एकत्र होने तथा सभा करने की स्वतंत्रता, हो गया, आगे बढ़े। अब बात कर स्वतंत्रता, जैसे आपको एक संघ बनाना चाहो, जैसे क्षत्रिय महासभा क्या है? एक संघ है। आरएसएस क्या है? एक संघ है। देवबंध है क्या है? आपका एक संघ है। आप शिक्षक संघ बना लेते हो, ठीक है, तो शिक्षक संघ आप कैसे बना सकते हो? इसी अनुच्छेद से आपको वो ताकत मिलती है कि आप क्या बनाओगे?
शिक्षकों का संघ बनाते, मतलब किसी प्रकार का भी संघ, महिला संघ, रोटरी क्लब, ठीक है, कुछ भी बनाओगे तो उसके लिए अनुच्छेद का 19(1)(c) आपको क्या देता है, यहाँ पर ताकत प्रदान करता है, ठीक है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद में सब कुछ लिखा हुआ संविधान, यही तो संविधान, इसीलिए कहा जाता है कि संविधान सबसे बड़ा होता है। ठीक है, आगे बढ़े, लिख लिया आप लोगों ने। अब बात करते हैं 19(1)(d) की। ठीक, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। आप उत्तर प्रदेश के रहवासी हैं यानी निवासी हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप केरल जाना चाहो तो आपको वीजा की जरूरत होती है, ठीक है, पासपोर्ट चाहिए, जम्मू कश्मीर जाओगे तो नहीं चाहिए ना, तो ये क्या होता है, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, यानी भारत में आप कहीं भी आओगे जाओगे, ये अनुच्छेद आपको ताकत प्रदान करता है। ऐसे ही कुछ नहीं होता है, यही होता है वो पावर, ये पावर आपको दिख रही है, ये किसने दे दिया, अनुच्छेद 19(1)(d) ने आपको पावर दे दी कि आप कहीं भी जाओगे, अगर आपको पकड़ता है तो आप वहां की स्थानीय पुलिस की मदद ले सकते हो। ठीक है, अब अगले अनुच्छेद 19(1)(d) के बाद ई, देश में कहीं भी निवास करने तथा बसने की स्वतंत्रता। ठीक है, जैसे अगर मैं किसी और जिले का रहने वाला हूं, ठीक है, अगर मैं लखीमपुर में अपना घर बनाना चाहूं तो यह अनुच्छेद मुझे क्या देता है, ताकत देती है। अगर आप IAS बन गए या IPS बन गए या कुछ भी बन गए, ठीक है, आपको अपना यूपी छोड़ के, लखीमपुर छोड़ के आपको केरल जाना पड़ा या मध्य प्रदेश जाना पड़ा या उत्तर कहीं भी जाना पड़ा, तो क्या होगा, देश में कहीं भी निवास करने तथा बसने की स्वतंत्रता। अगर आप अपना घर चाहें तो कहीं भी बसा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ यहां पर एक अपवाद है, क्या है, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़, ठीक है, अगर आप कहीं भी जमीन खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, आप कहीं रहना चाहें तो रह सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि तो जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसका आज भी अपना अलग संविधान है ना, तो इसलिए आप पत्ती का अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे है कि यहां पर 19(1)(f) संपत्ति का अधिकार था, तो 19(1)(f) कहां गया, तो 78 के द्वारा कहां भेजा गया है, 300 कहां में भेज दिया गया, ठीक है, इसलिए यहां पर यही एक स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। पांच हम लोग पढ़ चुके हैं, छठी ये है, ठीक है, अगला बढ़े, अगला इसमें जो स्वतंत्रता होती है एफ के बाद क्या आएगी, ठीक है, जीविका, जीविका चलाने तथा विधि सम्मत कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। अगर आप अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ऐसा कोई भी व्यापार शुरू करते हैं जो विधि सम्मत है, ठीक है, इसका मतलब ये, इसका मतलब क्या होता है, देखिए इस लाइन का अलग मतलब, जीविका चलाने, जैसे आप लोग टीचर बनोगे तो जीविका कैसे चला रहे हो, नंबर एक में चला रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपको अपने परिवार का भरण पोषण करना है और आप कोई इल्लीगल काम करना शुरू कर दो, कि हाँ मैं अपने घर का पेट भरना है तो मैं हथियारों की तस्करी करूंगा या नशीले पदार्थों की तस्करी करूंगा, ऐसा नहीं कर सकते आप। हाँ, विधि सम्मत कोई भी काम, चाहे आप रिक्शा चलाओ, चाहे आप दुकान खोलो, चाहे आप कोचिंग पढ़ाओ, कुछ भी करो, ये क्या हो जाएगी, विधि सम्मत, ठीक है, ये हो गया आपका सारे, इसमें जितनी भी स्वतंत्रता वो लेता, कितनी स्वतंत्रता थी, 7 स्वतंत्रता थी, 3 क्या है, शोषण, ओ सॉरी अभी शोषण, 19 के बाद आता है अनुच्छेद 20, ठीक है,
अपराध सिद्ध होने के बाद स्वतंत्रता। देखिए कितना बड़ा अनुच्छेद है, ये विडंबना व्यवस्था। अगर आप पर अपराध सिद्ध हो भी गया है फिर भी भारत का संविधान आपके लिए स्वतंत्रताएं उपलब्ध कराता है, ठीक है? ठीक है। इसमें कितने फैक्ट हैं? तीन प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक है। इसमें आपको कितने प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है? तीन प्रकार की। पहली लिखिए, पहली पहली स्वतंत्रता क्या है? एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी, एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी। एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी। दूसरा, जो कानून प्रचलित है, जो कानून प्रचलित है उसी के आधार पर सजा मिलेगी। जो कानून प्रचलित है उसी के आधार पर सजा मिलेगी। देखिए, जो कानून प्रचलित है उसी के आधार पर सजा मिलेगी, इसका मतलब समझते हैं हम लोग? जैसे अगर आप किसी की भैंस चुराते हो, ठीक है, आपको 3 महीने के कारावास की सजा, ठीक है, लेकिन किसी ने आपसे आपसी खुन्नस रखते हुए, रंजित रखते हुए, उन्होंने कहा नहीं इन्होंने भैंस चुराई तो अब हम यूज करेंगे, आपने जैसे जज की भैंस चुराई, ठीक है, जज ने उसे बदल दिया, उन्होंने कहा यहाँ चोरी का जो प्रावधान है वो हाथ काटना है, ठीक है, तो हाथ नहीं काट सकते आप, क्यों? क्योंकि आपको इस चीज की अनुमति नहीं देता। दिल्ली में बहुत बड़ा केस हुआ था निर्भया कांड, ठीक है, निर्भया कांड में नाबालिग को फांसी की सजा का प्रावधान नहीं है, ठीक है, उसमें एक नाबालिग था, उसे फांसी की सजा देने के लिए कोई प्रावधान नहीं था, अनुच्छेद 20 ने उसे बचा लिया। अब क्या किया भारत सरकार ने, उसमें संशोधन कर दिया, अब अगर नाबालिग ऐसी कोई गलती करता है तो उसे फांसी की सजा मिलेगी, इसलिए वो बच गया फांसी से, बाकी सबको फांसी की सजा हुई। क्यों बच गया वो? क्योंकि अनुच्छेद 20 ने उसे बचा लिया, क्योंकि संविधान से बड़ा भारत में कोई नहीं था। तीसरा, जो उत्तर प्रदेश पुलिस सबसे ज्यादा करती है या बिहार पुलिस सबसे ज्यादा करती है, किसी को भी स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। प्राण मतलब क्या है कि आपकी जो जीवन है वो आपके लिए अमूल्य है, उसे कोई नहीं ले सकता, ठीक है। प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार में लिखिए, हर व्यक्ति को प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अधिकार
है, ठीक है। विधि सम्मत तरीके को छोड़कर, विधि सम्मत तरीके को छोड़कर, विधि सम्मत तरीके को छोड़कर अन्य किसी भी तरीके से विधि सम्मत तरीके को छोड़कर अन्य किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को जीवन से मुक्त नहीं किया जा सकता। किसी भी ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राज्य निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा। निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। आगे बढ़े, ये सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है। फिर संविधान से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 21 के बाद अगला अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 22। इसमें लिखिए गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। ठीक है, पहला लिखिए गिरफ्तार करने का कारण बताना होगा, गिरफ्तार करने का कारण बताना होगा। ऐसे नहीं आप पुलिस आए आपको उठा के ले, ठीक है, अपनी आपसी खुन्नस नहीं निकाल सकते पुलिस आपसे, ठीक है। गिरफ्तार करने का कारण बताना होगा। दूसरी 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी कौन होता है? जज, ठीक है। 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, यहां पर थोड़ा रुक के इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है, पहली चीज कि गिरफ्तारी का कारण बताना होगा हमें क्यों गिरफ्तार किया जाए। अगर हम गिरफ्तार कर भी लिया गया है तब भी उसके बाद क्या कंडीशन अप्लाई होती है कि 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना हो, यानी आप हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। पहले आप हमें जज के सामने पेश करोगे, जज से आप हमें रिमांड पे लोगे, उसके बाद हमें वापस थाने लाके जो कुछ मेरे साथ करना है उसके बाद उससे पहले नहीं पीट सकते। ठीक है, तो ये
पुलिस वालों से बचने के तरीके होते हैं। तीसरा है, इसमें तीसरी स्वतंत्रता है, अपनी पसंद के वकील से यानी एडवोकेट से, अपनी पसंद के अधिवक्ता वकील या एडवोकेट से, अपने पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा। ठीक है, यहां पर देखिए हर चीज स्मार्ट देखे ना, अब हार्ड वर्क तो ठीक है लेकिन स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अगर आपको किसी पुलिस अधिकारी कोई भी आयोग बना सकता है, ठीक है, चाहे वो सुत्ता सिंह हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, अब बताइए कैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 23 और 24, देखिए कभी कभी ऐसे भी लिख थी अनुच्छेद 23, इसमें लिखिए चौदह वर्ष से कम आयु वर्ग के, 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के किसी भी बालक को, 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के किसी भी बालक को आप किसी भी कार में नहीं लगा सकते। 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालक को आप किसी भी कार, ये अनुच्छेद 24 है, यहाँ पर बाय मिस्टेक ना हो, ये अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 के लिए 14 वर्ष से किसी भी आयु वर्ग के बच्चे को आप किसी भी कार में नहीं लगा, ठीक है, चाहे वो काम सिंपल हो चाहे वो जोखिम वाला हो, लेकिन आप उस बच्चे को क्या नहीं कर सकते, कार में नहीं लगा सकते। जैसे आप कहते हो कि हमने एक बच्चे को अपने घर पे पोंछा लगाने के लिए रखा है, ठीक है, वो क्या है, बाल मजदूरी निषेध है, ठीक है, तो आप नहीं कर सकते ऐसा, क्यों नहीं कर सकते, कि 14 साल के जो कम आयु वर्ग का बच्चा है आप चाहे अपने घर में किसी भी उसमें रखोगे तब आप उसे काम पे नहीं रख सकते, चाहे कितना भी सिंपल काम क्यों ना हो, ठीक है। अनुच्छेद 23 मानव बलात् श्रम का निषेध, मानव दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का निषेध, मानव दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का निषेध फोर्सफुली,